सभी बहनों को पंडित नितिन शास्त्री का नमस्कार। कृपया सभी बहनें ध्यान देंगी, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूं साल 2023 में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या होगा और साल 2023 में किस टाइम के दौरान बिल्कुल भी राखी नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम में राखी बांधने पर कुछ ना कुछ संकट का साया हो सकता है। सभी माताओं बहनों को नमस्कार करते हुए, माता रानी को प्रणाम करते हुए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। साल 2023 में रक्षाबंधन वाले दिन भद्रा का साया हो रहा है, इसलिए कभी भी भद्रा में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि भद्रा में रक्षाबंधन करने पर किसी न किसी संकट का खतरा हमेशा बना रहता है। तो कृपया करके सभी बहनें ध्यान देंगी 30 अगस्त की जो सुबह 11 बजे से लेकर रात के 9:02 तक का जो टाइम है, ये टाइम रक्षाबंधन के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है, क्योंकि सुबह के 11 बजे से लेकर रात के 9:02 तक भद्रा रहेगी और भद्रा में राखी नहीं बांधनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ राखी बांधने के लिए मुहूर्त कब से शुरू होगा। 30 अगस्त की रात 9:03 से राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा, और अगर आप रात्रि में राखी नहीं बांधते, आपके वहां पर रात्रि में राखी बांधने का प्रचलन नहीं है, तो 31 अगस्त की सुबह आप रक्षाबंधन मना सकते हैं। 31 अगस्त की सुबह जो सूर्योदय से लेकर और सुबह के 7:10 तक का जो टाइम होगा, इस टाइम से आप अपने भाई को राखी बांध सकती है। पूर्णिमा तिथि भी आपको मिल जाएगी और सुबह का समय भी आपको अच्छा मिल जाएगा। भद्रा में राखी बांधने से परहेज करना चाहिए। 31 अगस्त 2023 की सुबह 7:10 से पहले रक्षाबंधन मना लें। जय माता की।